वेलकम बैक टू कार देखो, वेयर वी हेल्प यू पिक द राइट कार राइट नाउ। इस चैनल पर हम रेगुलरली आपके साथ लेटेस्ट रिव्यूज और इंटरेस्टिंग न्यूज पहुंचाते हैं अबाउट अपकमिंग लॉन्चेस। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी गाड़ियों के बारे में बताऊंगा जो इस साल यानी 2021 में लॉन्च नहीं होंगी। जहां पॉसिबल है थोड़े ऑल्टरनेटिव्स भी सजेस्ट करूंगा। लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं ऑल न्यू विटारा ब्रेजा के साथ। देखिए, हम ये तो कंफर्म कर सकते हैं कि इस साल विटारा ब्रेजा को एक छोटा अपडेट मिल सकता है। सीएनजी का ऑप्शन शायद इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, लेकिन एक ब्रांड न्यू जनरेशन की उम्मीद एटलीस्ट इस साल मत रखिए। अगर आपको एक फीचर लोडेड कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए तो मैग्नाइट से लेकर सोनेट तक ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। इस लिस्ट में अगली गाड़ी है ह्युंडई कैस्पर। इस गाड़ी का कोड नेम रखा गया है AX1 और ये एक बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस वाली हैचबैक या एक माइक्रो एसयूवी है, ठीक टाटा हॉर्नबिल, मारुति इग्निस और महिंद्रा KUV100 की तरह। ये सिर्फ पेट्रोल इंजन्स के साथ लॉन्च की जाएगी, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका लॉन्च जनवरी फरवरी के आसपास हो सकता है। तो 2021 ह्युंडई कैस्पर के इंतजार में मत काटिए। महिंद्रा XUV700 की प्राइसिंग देखकर सडनली सबकी उम्मीदें महिंद्रा स्कॉर्पियो से बढ़ गई है। जी हाँ, एक ब्रांड न्यू जनरेशन आ तो रही है। ये थोड़ी और मॉडर्न होगी, थोड़े और मॉडर्न फीचर्स होंगे जैसे सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा। पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन आपको मिलेगा विथ मैनुअल एंड एन ऑटोमेटिक। लेकिन इस बड़ी एसयूवी का भी लॉन्च हम जनवरी या फरवरी में ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल स्कॉर्पियो का कोई डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, एग्जिस्टिंग स्कॉर्पियो है जो आप ले सकते हैं, या मैं आपको थार रेकमेंड करने वाला था पर उसका वेटिंग पीरियड तो आप जानते ही हैं। टाटा ने ऑटो एक्सपो 2020 में एल्ट्रोस ईवी का प्रोडक्शन रेडी कॉन्सेप्ट दिखाया था। अब अफवाहें ये उड़ाई जा रही है कि इस ईवी में आपको 500 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है। जब तक टाटा इसे ऑफिशियली कंफर्म नहीं करता हम कुछ नहीं कहेंगे। इस गाड़ी की भी लॉन्च हम 2021 में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और अगर आपको तुरंत एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, आप टाटा की नेक्सॉन ईवी देख सकते हैं या टिगोर ईवी को कंसिडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में और एक टाटा की गाड़ी है, टेक्निकली दो और, हैरियर और सफारी। इन दोनों एसयूवीज के 4x4 वर्जन्स का काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बट सैडली वो भी 2021 में आने से रहे। थैंकफुली आपके पास एक ब्रांड न्यू ऑप्शन ओपन अप हो गया है जो है महिंद्रा की XUV700, जिसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलने वाला है। टाटा हैरियर और सफारी में फोर व्हील ड्राइव से पहले शायद एक पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस करना सही समझे। अगर आप एक स्टाइलिश और प्रीमियम सेडान ढूंढ रहे हैं, वो भी एक तगड़ी बिल्ड क्वालिटी के साथ, तो फोक्सवैगन वर्टस का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। वेल, सैडली ये सेडान भी इस साल के एंड तक लॉन्च नहीं होगी। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि फरवरी या मार्च 2022 तक आपको ये सेडान खरीदने मिल जाएगी। तब तक अगर आप वेट नहीं कर सकते तो आपके पास एग्जिस्टिंग रैपिड और वेंटो का ऑप्शन है, या तो दिसंबर तक स्कोडा की नई सेडान जो एसेंशियली सेम गाड़ी है सिर्फ स्कोडा ब्रांडिंग के साथ, उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। सिट्रन ने भारतीय बाजार में एंट्री मारी उनकी सबसे महंगी एसयूवी यानी C5 एयर क्रॉस के साथ। अब उन्होंने ये तो कंफर्म किया है कि उनकी सबसे छोटी एसयूवी भी भारत में लॉन्च जल्द ही होगी। इस एसयूवी का नाम होगा सिट्रन C3 और हमें ये उम्मीद है कि इस गाड़ी का लॉन्च अप्रैल या मई तक हो सकता है। फिलहाल अगर आपको एक क्वर्की सब 4 मीटर एसयूवी चाहिए तो ऑप्शंस की तो कोई कमी है नहीं। इस लिस्ट की आखिरी गाड़ी है ऑल न्यू रेनो डस्टर। देखिए, ब्रांड न्यू जनरेशन को ग्लोबल मार्केट्स में आए काफ़ी साल हो गए। इनफैक्ट इस नए जनरेशन का फेसलिफ्ट भी अब कई मार्केट्स में अवेलेबल है। रेनो इंडिया के लिए डस्टर एक इम्पॉर्टेंट मॉडल ज़रूर है, पर 2021 में ये गाड़ी शायद नहीं लॉन्च होगी। अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं तो क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक या टाइगुन में से किसी एक को आप चुन सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक सेगमेंट ऊपर जंप करके हैरियर, हेक्टर या फिर XUV700 भी कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूले। कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, डाउट्स हो, प्लीज लीव देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिप्लाई टू यू पर्सनली। स्टे सेफ, स्टे सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।